विचार करके इस संस्था की सदस्यता को और मजबूत करें और इसका लाभ देश के जितने भी यदुवंशी हैं उनको मिले। शिव बहादुर का फोन जरा उठा, एक सेकंड भैया चलो। इसी विचार से ये संस्था बनाई गई और आज बहुत ही सीमित लोग यहां पर बुलाए गए हैं। इन सीमित व्यक्तियों के असीमित विचारधारा को आज हमको सुनना है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किस तरह से मजबूत बनाना है, इसलिए आज ये छोटी सी मीटिंग रखी गई है। तो मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में जब तक हम एक संघ बनाकर एक प्लेटफार्म पर यूनाइट होकर नहीं चलेंगे तब तक जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और संघे शक्ति कलयुगों को मान इस भगवान कृष्ण के वाणी को अगर किसी ने दिया है तो हम और आप देखते हैं तो मारवाड़ी समाज ने सबसे ज्यादा दिया है और मारवाड़ी समाज आज सबसे ज्यादा आगे है। हमारे में यादवों में क्या है, थोड़ा सा ईगो बहुत ज्यादा है। उस ईगो को दूर करना होगा। हम लोगों को भगवान कृष्ण की जो वाणी है संघे शक्ति कलयुगे उस हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि एकता में इतनी बड़ी ताकत है कि किसी शायर ने लिखा कि वक्त को जिसने नहीं जाना उसे झुकना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं जाना उसे झुकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। लेकिन उसी शायर ने फिर कहा कि चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, नदी की हर राह से चट्टान को हटना पड़ा है, नदी की हर राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो उस तरह से हम लोगों को अपने अंदर एक वेग, एक उद्वेग पैदा करना होगा, हमको एक प्लेटफार्म मजबूत बनाना होगा ताकि हम अपने भाइयों को और भी मजबूत बना सकें। ये संस्था आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अब बात यह है कि संस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसलिए आज ये छोटी सी मीटिंग रखी गई है। मैं भाई मोहन जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और इस संस्था के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसके बाद जो आज का हमारा एजेंडा है उस एजेंडे के हिसाब से हम इस सभा की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। भाई मोहन जी, जोरदार तालियों के साथ भाई मोहन जी का स्वागत।